45 डिग्री से पार, एसी कूलर सब बेकार। सूरज से कह रहे हैं, अबे हमारा नाम क्यों खराब करवा रहा है बे, गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और थमने का नाम नहीं ले रही। ठंडा पियो तो गला खराब और ना पियो तो मन। साथ में बिजली की समस्या ने मुश्किलें और बढ़ा दी। बढ़ता प्रदूषण और बदलता क्लाइमेट शायद यही चेता रहा है, अब भी नहीं जगे तो सब खत्म हो जाएगा। अगर चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि घंटी बजे जंगल 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 जंगल। देख लो भैया, मामला काफी गंभीर हो गया, मैं तो पूरा नेचर की चिंता करूंगा और ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि एनवायरनमेंट को कोई लॉस हो। अबे दोनों एसी चला दे यार। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, तो मतलब कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। और मूवी देखने जाना है, जब गाड़ी का एसी स्टार्ट करा के गाड़ी थोड़ी ठंडी करवा। हाँ, तो मतलब मेरा मतलब ये है कि मैं ये कह रहा था कि कोई भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान हो। तो आप लोग भी ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचे। इस साल मार्च में ही मई का मौसम का मजा आ गया था और तापमान 33 डिग्री से ऊपर चला गया था, और मई में ताजमहल के भले ही सारे कमरे खुले न खुले, पर सूरज ने लगता है अपनी सारी भट्टियां खोल दी। बिजली की लुकाछुपी ने इस मौसम की परेशानियों को और बढ़ा दिया है, पर अगर पिछली सरकारों ने कोयले खाने डाल दी होती तो आज ये वाली समस्या नहीं होती मेरे ख्याल से। चुप रहो, 122 साल में सबसे गर्म मार्च का महीना। पृथ्वी दिन पे दिन गर्म होती जा रही है और हीट वेव्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होती जा रही है, यानी कि प्रचंड गर्मी बढ़ती ही जा रही है। ऐसा तब होता है जब किसी एरिया में हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला एरिया बन जाए। सीवियर हीट वेव तब कही जाती है जब किसी रीजन के प्लेन्स में 40 डिग्री, कोस्टल एरियाज में 37 डिग्रीज और पहाड़ों पर 30 डिग्री से ऊपर तापमान हो जाए, या मैक्सिमम टेम्परेचर 4.5 से 6.5 डिग्रीज के बीच में बढ़ जाए और 6.4 के ऊपर होने पे सीवियर हीट वेव कहलाती है, या किसी एरिया में अधिकतम तापमान 45 से 47 के बीच में हो जाए और ये सब 4 से 10 दिन या उससे ज्यादा चले। हैरी संधू ने जाड़ों में बिजली बिजली किया और अब पूरा हिंदुस्तान कह रहा है बिजली बिजली। कौन है? मोदी जी के पास मोर आता है, हमारे पैसे लेने वाले आते हैं, उनसे कह दो तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। और भारत में 1960 से 2009 के बीच में टेम्परेचर 0.5 डिग्रीज बढ़ा और प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसिव हीट रिलेटेड मोर्टालिटी भी बढ़ी है, पर इन सबका जिम्मेदार कौन है? नेहरू? चुप करो। बढ़ती गर्मी का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि भारत के ज्यादातर हिस्सों में इस समय होने वाली ओलावृष्टि, बारिश, आंधी तूफान आदि नहीं हुए। और मार्च की ऑल इंडिया रेनफॉल की फिगर -70% के आसपास। असल में वेजिटेरियन सी नहीं याद आया? से आने वाली ईस्ट की तरफ बहने वाली हवाओं को वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं। जब ये दक्षिण भारत से आने वाली मॉइस्ट विंड से मिलती हैं, तो हल्की बारिश और थंडर स्टॉर्म आते हैं और इनकी वजह से तापमान भी कम हो जाता है। पर अब सवाल आता है कि अब की बार ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब की बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। हालांकि इस साल अब तक 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज नोटिस किए गए हैं। इनमें 3 हमारे इतने कमजोर थे कि वो एक्सट्रीम नॉर्थ से पास हो गए और इसी की वजह से अब की बार हमारे यहाँ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हीट वेव थी, मतलब हमारे यहाँ झिक के गर्मी पड़ी है। हालांकि हमारे मुकाबले दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट इंडिया कूल रहे। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक स्टडी से पता चलता है कि हर 10 साल में भारत में हीट वेव्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है और लोगों की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है और साथ में एक्सट्रीम हॉट डेज भी बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है कि इसने पहाड़ी इलाकों को भी नहीं छोड़ा है और वो भी गर्म हो रहे हैं। और पिछले 3 डिकेड्स में कोल्ड वेव के डेज भी कम हुए हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा कारण है इस तरह की गर्मी बढ़ने का। IPCC की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में इंटेंस और फ्रीक्वेंट हीट वेव्स देखी जाएंगी। तो अब कुछ ज्ञान की बात समझ ली जाए। जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आती है तो उसका कुछ हिस्सा अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ देती है हीट के रूप में, जिसे इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं। हमारे वातावरण में कुछ गैस प्रेजेंट होती है जो इनको एब्जॉर्ब कर लेती है और ये हीट के एटमॉस्फेयर में लॉस को स्लो या प्रिवेंट करती। ये गैस होती है ग्रीन हाउस गैसेस और इस इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, और अर्थ में लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। पर हम लोगों के कामों की वजह से एटमॉस्फेयर में इन गैसों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और ज्यादा हीट बाहर जाने की बजाय यही रह पा रही है, जिसकी वजह से तापमान बढ़ते चले जा रहे हैं। बस हो गया। और ये गैसेज हैं फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, लैंड क्लियरिंग फॉर एग्रीकल्चर और डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल की वजह से होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, खेती वेस्ट मैनेजमेंट बायोमास बर्निंग से निकलने वाली मीथेन, खेती में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से आने वाली नाइट्रस ऑक्साइड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस रेफ्रिजरेशन और कंज्यूमर प्रोडक्ट से निकलने वाली फ्लोरिनेटेड गैस जिसमें हाइड्रोक्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी शामिल है जो फ्लोरिनेटेड गैस में आती है। इसके अलावा वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस में आता है
गर्म हवा में ठंडी हवा के मुकाबले ज्यादा मॉइस्चर होता है। जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर वेपर भी बढ़ेंगी और इससे हमारे यहाँ गर्मी भी बढ़ेगी। इसके अलावा ग्राउंड लेवल ओजोन जब दिन में सूरज की प्रेजेंस में ऑटोमोबाइल पावर प्लांट से निकलने वाले और अदर इंडस्ट्रीज और कमर्शियल सोर्सेज से निकलने वाले वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जब नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो ग्राउंड लेवल ओजोन बनती है। और मुझे नहीं लगता मैं इसमें आपकी हेल्प भी कर पाऊंगा। इसलिए गैसों को सबसे ज्यादा एमिट करते हैं चाइना, यूएस और यूरोपियन यूनियन। भारत की हिस्सेदारी 7% है। किसी भी मौसम के अधिकता होने से उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। एक स्टडी के अनुसार भारत में सिर्फ 12% लोगों के पास ही एयर कंडीशनिंग है। ज्यादा गर्मी बढ़ने से लोग बीमार भी ज्यादा पड़ते हैं। गर्मी का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है गरीब और मार्जिनलाइज लोगों पर और ज्यादातर लोगों को बाहर काम करना पड़ता है या काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है जिनके लिए बहुत ही कम साधन है बचने के लिए। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग खेती भी करता है जो ज्यादातर समय बाहर ही रहता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्कर, रेहड़ी वाले, रिक्शे वाले ये दिन की प्रचंड गर्मी को झेलते हुए बाहर ही रहते हैं। ज्यादा गर्मी की वजह से लैंडफिल्स में और फॉरेस्ट में फायर देखी गई है। गर्मी की वजह से गेहूं की फसल को भी नुकसान हुआ है और जो भारत कुछ दिन पहले तक पूरे विश्व को खिलाने की बात कर रहा था उसने अब अपने एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया है। और इस गर्मी का मजा डबल कर रही है बिजली जो बार बार फिरकी ले रही है। 45 डिग्री से ज्यादा पारे में कहीं पे भी चैन नहीं। मई ने इसमें आके 4 चांद लगा दिए हैं और ऐसा लग रहा है कि सूरज ने अर्थ पे ही अपनी कोई ब्रांच खोल दी। भारत का मौसम पड़ोसियों से काफी डिफरेंट है क्योंकि हमारे यहाँ मई सबसे गर्म महीना होता है और उसके बाद जून के बाद से हमारे यहाँ पानी बरसना शुरू हो जाता है जबकि बाकी सब जगह जुलाई और अगस्त सबसे गर्म महीने माने गए हैं। एक तरफ जहाँ पोल्यूशन से गर्मी बढ़ रही है वहीं कहीं ना कहीं पोल्यूशन की वजह से हमारे यहाँ गर्मी कम भी पड़ रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रैफिक की वजह से हमारे एनवायरमेंट में पार्टिकुलेट मैटर की संख्या बढ़ जाती है जो हमारे यहाँ सूर्य की किरणों को आने से रोकते हैं। साथ में अब ज्यादा किसान हमारे यहाँ खेती बाड़ी में सिंचाई करते हैं जिसकी वजह से भी ठंडक होती है। आपदा को अवसर में बदल दिया। इसी बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसमें सभी देशों ने कसम खाई थी कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो एवरेज टेम्परेचर राइज है वो 2 डिग्री से ज्यादा करना और सबने मोटा मोटा ये भी विश किया था कि किसी भी तरह हम कोशिश करके इसे 1.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ने ही नहीं देंगे। अभी लगभग 1.2 डिग्री के आसपास ही बढ़ा है और हमें नेचर का गुस्सा देखने को मिल रहा है। एक्सट्रीम वेदर, फ्लड, एक्सट्रीम रेनफॉल, एक्सेसिव हीट ये सब एक झलक मात्र है और नेचर हमसे कह रहा है इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बाधे कहां से। चलिए कुछ फिगर्स पे भी नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या यह पूरा हो पाएगा कि नहीं। 2019 में ग्रीन हाउस गैस का एमिशन था 59.1 गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस को मिला के कितना था। 2020 में कोविड की वजह से हुए लॉकडाउन की वजह से ये काफी गिरा भी था। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो पेरिस में है उसका एक प्रेडिक्शन है कि 2023 में ये ऑल टाइम हाई होगा। अब हकीकत यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अभी लेवल 420 ppm हो गया है जो अब तक अधिकतम है और इससे 1.5 डिग्री का टारगेट तो अपने हाथ से जाता ही दिख रहा है। यूएन की एक रिपोर्ट के हिसाब से ही 2030 से 2052 के बीच में ही एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री ज्यादा हो जाएगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में। तापमान बढ़ने से समुद्र का लेवल भी बढ़ेगा, एक्सट्रीम हीट वेव्स आएंगी, आर्कटिक ओशन आइस फ्री हो जाएगा, कोरल रीफ कम हो जाएंगी और मछलियां भी कम पकड़ी जा सकेंगी, जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ेंगी, ज्यादा तेज बारिश होगी और फ्लड आएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं लोगों में सांस की बीमारियां भी बढ़ेंगी, कई जगह भयंकर सूखा भी पड़ेगा। डेवलपिंग नेशंस, छोटे छोटे आइलैंड देश अपनी आजीविका के लिए खेती और समुद्र पर निर्भर रहने वाले लोगों के गरीबी में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे और मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां बढ़ जाएंगी। सभी मुख्य फसलें जैसे गेहूं, चावल और सीरियल्स की यील्ड घट जाएगी और ये सब जानवर यानी कि लाइफ स्टॉक को भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेंगे। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर का मानना है कि अगर सब लोग सारी कोशिशें भी कर लें तो भी तापमान 2.4 डिग्री से बढ़ जाएगा। अंत में हम फिर वही करेंगे जो हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कुल ही टाइम बर्बाद किया क्या लगा देते हो हर बार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन भी आए। कमेंट करके हमको ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।